हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने आदमपुर उपचुनाव में 20,000 से ज्यादा वोटों से शानदार जीत का दावा रखने सामने रखा है और बिजली मंत्री ने कहा है कि चुनाव में कांग्रेस आप या और कोई भी राजनीतिक दल अपना अपना दमखम आजमाना चाहे तो सामने आ जाए। हिसार में बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने। आदमपुर का चुनावी रण दिलचस्प होने वाला है। हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह वैसे तो हिसार आए महीने पहुंचते हैं, लेकिन आदमपुर के चुनावी रण के सामने आने के बाद एक बार फिर से माहौल को और ज्यादा दिलचस्प बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिजली मंत्री रणजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मुझे ये बताइए कि आदमपुर का चुनावी रण सामने आ चुका है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंच रहे हैं, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आगाज इंडिया नंबर वन हिसार से कर रहे हैं, आदमपुर की धरती से कर रहे हैं, क्या फर्क इससे चुनावी जमीन पर पड़ने वाला है? देखिए, डेमोक्रेसी है, हर आदमी को अपना अधिकार है, हर आदमी अपनी जमीन बनाने के लिए आता है। केजरीवाल जी का भी अधिकार है, वो भी हरियाणा में अपना चुनाव लड़े, अपना कैंडिडेट लाए, कुछ भी लाए। मेरा तो एक ही कहना है कि सबसे पहला टेस्ट आदमपुर इलेक्शन है, कांग्रेस भी आ जाए, आपका केजरीवाल जी भी आ जाए और कोई पार्टी है वो भी आ जाए। मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ क्योंकि मैं उस हल्के से चुनाव लड़ा हूँ बजनाल जी के सामने। उस चुनाव में जो बीजेपी का कैंडिडेट होगा उसका मार्जिन 20,000 से कम नहीं रहेगा, इससे ऊपर जीतेगा। कोई भी सामने आ जाए, केजरीवाल जी का कैंडिडेट आ जाए, किसी का आ जाए, उनका आना, उनको हम किसी को थोड़े रोकेंगे। डेमोक्रेसी, हर आदमी का अपना अधिकार है, खड़े होंगे। विकास को लेकर हालात बेहद खराब, सड़कों को लेकर और तमाम जो दूसरी मूलभूत सुविधाएं हैं आदमपुर में बेहद खराब स्थिति में अब तक नजर आ रही थी, आगे क्या तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि बड़े पैकेज का जिक्र कुलदीप लगातार कर रहे हैं? कि परसों रात को मैं भी टीवी देख रहा था, शायद आप लोगों ने भी देखा हो, एक ग्लूमबर्ग एजेंसी है उसने कमेंट करा है पूरे वर्ल्ड का सर्वे करके कि हिंदुस्तान वर्ल्ड की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है। इंग्लैंड भी पीछे हो गया, अमेरिका, चीन और जापान, जर्मनी के बाद इंडिया फिफ्थ देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी वर्ल्ड की बन रही है। तब इसमें यह सब GDP से होता है, यह सब इंफ्रास्ट्रक्चर से होता है। और हरियाणा के लिए जो कमेंट है नीति आयोग के, वो ये कहता है कि जितनी बड़ी स्टेट है उसमें हरियाणा इज़ द सेकेंड फास्ट ग्रोइंग स्टेट। तो मैं आपका उत्तर का, आपके सवाल का रिप्लाई इसी में आ गया। राष्ट्रीय आंकड़े भी अच्छे हैं सर, आपके जो प्रदेश के संदर्भ में करें वो भी अच्छे, लेकिन मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो सड़कों की हालत है, वो तो GDP से नहीं बदल रही ना? नहीं, देखिए, अभी भी मैं आपको ये भी बता दूं, सड़कों की हालत बहुत ठीक है। मैं तो रोज सड़कों पे घूमता हूं, ऐसा नहीं है कि सड़कें खराब है। आप और स्टेटों में जाके देखें कि उनसे हमारे कितनी बेहतर है, हरियाणा सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। हमारा जो अभी हर डिपार्टमेंट वाइज अगर आप देखें तो पहले से हम, चाहे मेरा अपना पावर डिपार्टमेंट है, चाहे जेल डिपार्टमेंट है, चाहे आपका रेवेन्यू है, चाहे दूसरे जितने डिपार्टमेंट हैं, हर एक में हम माइलस्टोन बना रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं। एग्रीकल्चर में भी हरियाणा तो बहुत चीज़ों में नंबर वन पे आ रहे हैं। कुलदीप, परिवारवाद के साथ पहले थे, उसके बाद वो दोस्तवाद के साथ चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद, अब आम आदमी पार्टी ये जिक्र कर रहे हैं कि भारतवाद का जिक्र वो आदमपुर से शुरू करेंगे और वहीं से ये आवाज़ पूरे हरियाणा तक जाएगी। देखिए, वो MLA रह चुके हैं, मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, भजनलाल जी उनके फादर थे, वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 2-3 बार। वो कोई ऐसा तो नहीं कि नादान नहीं है, पॉलिटिकली बहुत मैच्योर्ड आदमी है। उन्होंने अपना फैसला अपना लिया, उनका फैसला लेने में उनका फैसला था, हमारा और आपका बीच में कोई, वो आए, सब ने स्वागत करा, पार्टी में आके उन्होंने हमें अपना वोट दिया और इसके बाद पार्टी ज्वाइन करी है, नेशनल लेवल पे करी है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी साथ ज्वाइनिंग में उनके साथ थे और निश्चित है कि चुनाव वही लड़ेंगे। हालांकि फैसला तो हाई कमांड करेगा, वो लड़ेंगे या उनका बेटे लड़ेगा, कोई भी लड़ेगा, ये तो हाई कमांड का है, क्योंकि जब तक टिकट नहीं मिलती तब तक कोई भी नहीं कह सकता कौन लड़ेगा। पर यह है कि उनका शेयर रहेगा टिकट जो बटेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी सीट रिजाइन करके आए हैं, तो कोई भी तय करने से पहले उनसे सलाह जरूर। आदमपुर के चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों के साथ उतरने जा रही है? वो सबसे बड़ा नारा है सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी का भी, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी है। हमने डेवलपमेंट करी है, खूब काम हुआ है। मैं तो हिसार फतेहाबाद दोनों जिलों का ग्रीवेंसेस कमेटी का इंचार्ज हूँ, तो मैं तो सारा देख रहा हूँ, सारे आंकड़े मेरे पास है, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस का वोट मिलेगा। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, आपने तमाम दरवाजों को खोलने का काम किया था, साफ ये कहा था कि आदमपुर में किसी को भी कोई परेशानी है तो सीधे आके मुझसे मिले, हर परेशानी खत्म कर दी जाएगी। बिल्कुल करूंगा जी, मैं तो कल भी आदमपुर जा रहा हूँ, मेरे ख्याल में कल आदमपुर जैसे आज यहाँ मीटिंग थी वहाँ भी मैं समझता हूँ 2-3 हज़ार से कम आदमी नहीं होगा, सब मिलेंगे, लोग अपनी समस्याएं कहेंगे, मैं निपटाऊंगा। फतेहाबाद, हिसार, आपने मेरे जिले हैं सरसा पर, कल मैं सरसा में था, आज हिसार में हूँ, कल फतेहाबाद में होऊंगा,
आदमपुर होंगे, शाम को फतेहाबाद होंगे। कांग्रेस के हल्लापुर रैली के बाद कांग्रेस की स्थिति का आकलन किस तरीके से करते हैं? देखिए, उसका जनाब गुलाब नबी ने दे दिया जम्मू में। मैं समझता हूँ जितने राहुल के लोग थे इतने गुलाब नबी आज़ाद के लिए जम्मू में इकट्ठे हो रहे थे। मतलब कांग्रेस कुछ नहीं, हर आदमी अलविदा करते जा रहे हैं, कहीं भी नहीं है। आपके राहुल गांधी के कुछ बस का है नहीं, कांग्रेस अपने आप ही खत्म। कांग्रेस तो अब समाप्त होने जा रही है, कहीं चर्चा नहीं। चलिए, हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह साफ ही बात करें कि कांग्रेस खात्मे की तरफ है और सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर ही आदमपुर का चुनाव लड़ा जाएगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।